हेलो एवरीवन, आज मैं रिश्ता लेकर के आऊँ आपके पास इंदौर से। मैडम का नाम है अफसाना, ये एक मुस्लिम प्रोफाइल है और मैडम चाहती है कि कोई भी मुस्लिम लड़का मेरे साथ शादी कर सकता है, लेकिन शर्त वो अल्लाह का नेक बंदा होना चाहिए। मतलब कि वो नमाज वगैरह में यकीन करने वाला होना चाहिए, वो अल्लाह को मानता हो, एक नेक रास्ते पे चलता हो, कोई गलत रास्ता उसकी ज़िंदगी में ना हो। बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं ज़िंदगी भर, वो इन लड़कों के साथ नफरत करती हैं, वो चाहती हैं कि हिंदू मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो सब हिंदुस्तान के ही हैं। तो मैडम की ये सोच को सलाम है दिल से, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाली लड़कियां या लड़के इस दुनिया में बहुत कम है जो हिंदुस्तान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वो बेशक उनका कनेक्शन कहीं से भी हो, लेकिन हिंदुस्तान को ही अपना पहला प्रेफरेंस देते हैं। मैडम की जो एज है वो है मात्र 26 साल, हाइट है 5.2 इंच, और मैडम का नाम है अफसाना। और मैडम चाहती है कि सुलझे हुए व्यक्ति के साथ शादी करके अपना घर बसाएं, क्योंकि मैडम खुद भी एक अच्छी नौकरी कर रही हैं। मैडम महीने का 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक कमा लेती है, क्योंकि मैडम की जो फिक्स सैलरी है और 40,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये उनको इंसेंटिव के रूप में कंपनी की तरफ से मिल जाता है। अगर आप भी किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप नौकरी करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तब भी आप एक सुंदर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, और ऐसे और भी अनेक रिश्ते हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके हमारे कस्टमर केयर अधिकारी के साथ बातचीत करके अपने बारे में सब कुछ बताना है और मैडम के बारे में भी सब कुछ जानना है, और रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाते के साथ ही आपको बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हमारी तरफ से देखने के लिए मिलेगी। आपको उसमें से कोई एक अच्छी सी लड़की सिलेक्ट करनी है जो आपके लिए बनी हो, आपको लगे कि हाँ, इसके साथ मैं ज़िंदगी काट सकता हूँ। उसके बाद आगे का काम हमारी कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए, फिक्स कराने की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की होती है, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए रिश्ते के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।